हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आई एम रमा शर्मा, योर एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल कैरियर कोर्स। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th, इकोनॉमी एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी 2023 एंड 2024। कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, उन कॉन्सेप्ट से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 कराया था, और चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चन समझे होंगे। और हमने प्रोडक्शन के बारे में जनरली समझा था। क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में प्रोडक्शन के बारे में ही बताया हुआ है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, ठीक है। आज हम जो है यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। ये हो चुका है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके जो नोट्स हैं वो आपके टेलीग्राम में अवेलेबल हैं। आप टेलीग्राम में ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हो चैप्टर नंबर 1 और 2 के लिए। ये सारा का सारा कुछ लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और आप इनको पढ़िएगा। आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, पीपल एज रिसोर्सेज, ठीक है। जिसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, हमको ह्यूमन कैपिटल के बारे में समझना है, हमको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP के बारे में समझना है, हमको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में समझना है। क्या वो प्रोसेस होते हैं, क्या वो तरीके होते हैं जिससे हम अपने देश की को कैपिटल को ह्यूमन कैपिटल को मानव संसाधन को बढ़ा सकते हैं। और फिर एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड पॉपुलेशन होने के, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ ये दो मेन इंपॉर्टेंट पिलर हैं ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन के, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये पिलर हैं, पिलर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो अब इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्सेस। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आदमी औरत कैसे करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज तभी हो पाएंगी जब आपके हाथ में पैसा होगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखाती हैं आपके डेवलपमेंट को, आपकी वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज को। वो एक्टिविटीज जिनमें आप वेल्थ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट आर नोन एज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि अब कोई नौकरी कर रहा है तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। कोई डॉक्टर है तो साथ ही साथ वो सर्विस तो दे ही रहा है हेल्थ सेक्टर में, लेकिन वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां से पैसा भी आ रहा है। तो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन कैसे हो रहा है, बाय प्रोड्यूसिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा के कुछ भी अपना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी गुड्स बना रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं सोसाइटी को और ऐड कर रहे हैं वैल्यू टू द नेशनल इनकम, क्योंकि आप कमा रहे हैं। इसका मतलब देश के हर व्यक्ति, अगर हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ काम कर रहा है तो देश का हर व्यक्ति कमा रहा है और नेशनल इनकम उसी तरीके से बढ़ रही है। अब बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत मूलतः प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस को, जैसे कि सॉइल। भाई एग्रीकल्चर किस पे करोगे, वाटर, ठीक है, किसकी मदद से इरिगेशन करोगे, ठीक है। फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो इन सब में भी नेचुरल रिसोर्सेस का आप यूज कर ही रहे हैं, मिनरल्स का आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरल मिनरल्स का। तो जितने भी एग्रीकल्चर प्लस माइनिंग इंडस्ट्री हैं वो आती है प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर यानी कि शुरुआत, शुरुआत यानी कि दिन की शुरुआत, जैसे AM से होती है वैसे ही प्राइमरी सेक्टर की शुरुआत भी AM से होती है, एग्रीकल्चर एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। क्वेरिंग इज द प्रोसेस, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर बात करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो सेक्टर है जहां पर आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो, चाहे वो लार्ज स्केल पे हो, स्मॉल एंड लार्ज स्केल, ठीक है, चाहे वो मीडियम स्केल पे हो,
किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो कि इस सेक्टर के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी एक्टिविटी कहलाता है। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ऐसे समझ सकते हो, देश आजाद हुआ, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने माइनिंग वगैरह भी करी, तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। फिर धीरे धीरे हमने कुछ बनाना शुरू किया अपने अपने, जैसे टाटा स्टील वगैरह और ग्रो करे, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ गए, तो ये क्या है, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है। अब जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और ये सब टेक्नोलॉजीज इंडिया में आई है 1990s के आसपास वाले एरिया टाइम में, तब से हम जो है सर्विस सेक्टर की तरफ और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के डेट में भारत का सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है, तो ये टर्शरी सेक्टर है। अच्छा, सर्विस सेक्टर में सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती कि सिर्फ IT, कंप्यूटर और ये सब, सर्विस में व्यापार भी होता है, ठीक है, सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बेंगलोर में रहते हैं, आपको दिल्ली शिफ्ट करना है, तो आप सारा सामान, आपका परिवार, आपका सारा सामान कैसे आएगा, सारा सामान ट्रांसपोर्ट के तहत आएगा। तो ये ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर में भी इनलैंड होता है, ठीक है, देश के अंदर अंदर, और आउटलैंड होता है, यानी कि आप विदेश में भी भेज रहे हैं इंडियन ओशियन के माध्यम से। एयर में भी क्या है, एयर में भी आपका लोकल होता है और पूरा का पूरा इंटरनेशनल होता है, लोकल फ्लाइट्स होती हैं। अच्छा, एयर में भी दो तरीके की, ये जो एयर वाटर लैंड है, ये सब दो तरीके में और बटे हुए हैं, चाहे तो इनको हम कहते हैं पैसेंजर या फिर गुड्स, ठीक है। अब ये पैसेंजर लेके जा रहे हैं तो लोकल फ्लाइट्स हो गई आपकी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो गई आपकी, ठीक है, ये गुड्स भी लेके जाते हैं, कार्गोज भी होते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो गई। लैंड में भी आप देखिए तो लैंड में भी जो अपने बड़े बड़े ट्रक्स जो माल लेके जाते हैं, वो पैसेंजर वाले तो नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा गुड्स लेके जा रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ पैसेंजर वाले भी हैं जो कि बसेस वगैरह होती हैं अपनी, तो इस तरीके से आप पूरा ट्रांसपोर्ट को आगे, ये इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है ज्योग्राफी NCERT में। बात करते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन भी सर्विसेज हैं, ठीक है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करना ताकि वो अपने पर्सनल बातें, बिजनेसेस की बातें कर सके। बैंकिंग भी एक सर्विस है, एजुकेशन एक सर्विस है, हेल्थ एक सर्विस है, टूरिज्म एक सर्विस है, ठीक है, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है वो टर्शरी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो हमने ये देखा, हम छोटे छोटे धीरे धीरे करके इकोनॉमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और NCERT पढ़ने का यही फायदा है कि आप इकोनॉमी को धीरे 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 समझते हैं, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो अच्छे बन जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो पार्ट होते हैं, एक तो मार्केट की एक्टिविटीज, एक बिना मार्केट की एक्टिविटीज। मार्केट की एक्टिविटीज का मतलब है कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो गुड्स को, ठीक है, या फिर सर्विसेज को, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन होता है आपके काम का, जो आपको पैसा मिलता है। मतलब कि आप मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट के लिए। नॉन मार्केट एक्टिविटीज में प्रोडक्शन आप कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, यानी कि भाई सरकार कैसे चलेगी, सरकार जो है देश की सेवा में काम कैसे करेगी, जब मार्केट एक्टिविटीज होंगी, जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन बाजार के लिए किया जाएगा, बाजार के लिए किया जाएगा तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा, ठीक है, जो नहीं प्रोड्यूस कर सकता वो उसको खरीदेगा। नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो होती हैं जहां पर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का। आगे चलते हैं तो बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर किस तरीके के काम किए जाते हैं। बहुत डिफरेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ मैन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय अ वुमेन, क्योंकि दोनों की इफिशियंसी, ठीक है, पहले ऐसे माना जाता था कि इफिशियंसी डिफरेंट है। अब अगर कोई मशीनरी के ऊपर काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बात तो एक ही है, कंप्यूटर ऑपरेट करने, लेकिन पहले हम ऐसा मानते आए हैं कि वर्किंग इफिशियंसी दोनों की अलग अलग है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आदमी करते हैं वो अलग है, जो औरत करती है वो अलग है। अब क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्किंग जो विमेन की है उसमें क्या है, विमेन लुक आफ्टर करती हैं डोमेस्टिक अफेयर्स को, जैसे कि घर के लिए खाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, हाउस कीपिंग करना, बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है,
मैम ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कैसे आएगा? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा क्योंकि जब आप ये सारे काम करोगे, ठीक है, तो ये ऐसे ये बेसिस है। मतलब आप आज की डेट में इसको अप्लाई करोगे तो बहुत ही डिफरेंट बातें हो जाएंगी। ये बेसिक एक आपको फंडामेंटल समझाने का तरीका है कि ऐसा माना जाता रहा है कि महिलाएं जो है जब ये सब काम करती हैं तो वो चिल्ड्रंस को डेवलप कर रही हैं। चिल्ड्रन डेवलप हो रहे हैं, आगे चल के क्या बनेंगे? ये ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। ह्यूमन कैपिटल यानी कि देश के लिए काम करेंगे। देश के लिए काम मतलब ये खुद का कुछ भी काम करेंगे तो उससे देश की इनकम भी बढ़ेगी। मैन वर्क करते रहे हैं फील्ड में, ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड हो, चाहे वो सर्विस फील्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग, हमेशा आदमियों को उनके काम के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। कॉन्ट्ररी, औरत वही सेम काम करे, ठीक है, तो औरतों को उतने नहीं पैसे नहीं मिलते। अच्छा, दूसरी चीज, वेमेन आर नॉट पेड फॉर देयर परफॉर्मेंसेज इन दी हाउस। घर का जितना भी काम है सुबह से लेकर रात तक का औरतें वो करती हैं, ठीक है, तब जाके मतलब आदमी बाहर काम कर पाते हैं, खाना खा पाते हैं, पैसे मतलब शाम को घर साफ सुथरा मिलता है, आके सो पाते हैं, चैन से रह पाते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता औरतों को। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने दो सेगमेंट बांटे हुए, वर्क डन बाई मैन, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता रहा है नेशनल इनकम के अंदर, वेयर एज जो हाउस होल्ड वर्क है, हाउस होल्ड वर्क अब आज की डेट में थोड़ी सी जो है बदली है परिभाषा, क्योंकि अगर विमेन भी अगर फील्ड में काम कर रही है तो उसके काम को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा नेशनल इनकम के अंदर। लेकिन अगर जो भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो हाउस होल्ड का वर्क कर रहा है तो उसके काम को नेशनल इनकम में नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो पहले ऐसा होता था कि औरतों के काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, हाउस होल्ड वर्क को, हाउस होल्ड वर्क डन बाई विमेन, ठीक है, अगर विमेन जो है बाहर का काम कर रही है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की, ठीक है, तो हमने समझा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर वर्क परफॉर्मेंस होती है, हमने समझा सेक्टर्स कौन कौन से हैं, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन और वुमेन की देखी। बात करते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन की। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली, सॉरी, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली डिपेंड करता है आपकी जनसंख्या का लिटरेसी रेट क्या है, आपकी जनसंख्या की हेल्थ क्या है। सिंपल सी बात है, आपके यहाँ की टोटल जनसंख्या की क्वालिटी किस तरीके की, क्वालिटी कि कितने पढ़े लिखे हैं और कितने स्वस्थ हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं लेकिन स्वस्थ नहीं है, कोई दमा का मरीज है, कोई टीवी का मरीज है, कोई कोई जो है किडनी फेलियर है, किसी का लंग खराब है, किसी का कैंसर हो रखा है, तो ये पॉपुलेशन की क्वालिटी नहीं है, ठीक है। अगर हेल्थी है लेकिन पढ़े लिखे नहीं है तो भी ये क्वालिटी नहीं है। तो यहां पर मैंने आपको जैसे कि कहा था, एजुकेशन और हेल्थ, ये दो पिलर होते हैं, ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ ये दो पिलर होते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के। लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन ये देश के लिए एक एसेट मानी जाती है, एसेट, ठीक है, एसेट, क्योंकि ये लिटरेट हैं और अगर हेल्दी हैं तो कुछ काम करेंगे, कुछ काम करेंगे तो देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर ये लिटरेट नहीं है, सिर्फ हेल्दी है, तो क्या ही काम करेंगे, मतलब छोटा मोटा कोई काम करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में काम कर लेंगे, अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स में काम कर लेंगे। लेकिन अगर ये लिटरेट है और हेल्दी नहीं है तो भैया ये लिटरेट होने के बाद भी बिस्तर पे पड़े रहेंगे, दोनों चीजें होना जरूरी है। तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप नॉलेज गेन करते हैं, जहां पर एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है ये व्यक्ति की ग्रोथ के लिए। आज जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या आज जब आप पढ़ रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आपकी ग्रोथ हो, ठीक है, आगे चल के आपकी ग्रोथ हो। डेवलपमेंट किसी भी देश का डिपेंड करता है उनके लिटरेसी रेट पर, ठीक है, बेसिकली डिपेंड करता है लिटरेसी रेट कितना है। जब एक व्यक्ति एजुकेटेड होता है तो एक फैमिली को भी आगे चल के एजुकेटेड बनाता है, और जब एक फैमिली एजुकेटेड होती है तो एक सोसाइटी एजुकेटेड बनती है, सोसाइटी एजुकेटेड बनती है तो पूरा देश का लिटरेसी रेट सुधरता है और इंक्रीज होता है। एजुकेटेड पर्सन ज्यादा कमा सकता है अनएजुकेटेड पर्सन से, ठीक है, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन के पास में वो स्किल्स हैं, वो नॉलेज है जिससे वो आगे ज्यादा कमा सके, ग्रोथ कर सके, खुद का डेवलपमेंट कर सके और नेशनल इनकम को भी बढ़ा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट की गवर्नेंस की इफिशियंसी भी आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है, गवर्नेंस की इफिशियंसी भी बढ़ेगी यदि आपके देश में लर्निंग प्रोसेस एनहेंस होगा, यानी कि लोग ज्यादा एजुकेशन में, जितने ज्यादा बच्चे होंगे उससे आप पता कर सकते हैं कि आगे मतलब ये जो गवर्नमेंट है वो कितना ज्यादा ध्यान दे रही है एजुकेशन के ऊपर, और गवर्नेंस की इफिशियंसी आगे चल के बढ़ने ही वाली है।
1951 में आप देखिए, 1951 का डेटा है ये। पर्सन मेल फीमेल, इन पर्सन मतलब फीमेल हमेशा ही कम रही हैं, फीमेल हमेशा ही कम रही हैं मेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी ये बढ़ रहा है, ठीक है, ओवरऑल आपको कम ही रहे मिलेगा, मेल का हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा, ये मेल का डेटा है, ठीक है। तो अभी आप देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से आप देखिए कि हमारे यहाँ पर 80% से ज्यादा पुरुष पढ़े हुए हैं और 65% से ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अब हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात कर ली, तो हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी व्यक्ति की ग्रोथ का, क्योंकि एक व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा है लेकिन हेल्दी नहीं है, अगर बीमार है या बीमार रहता है या फिर डिजीजेस के प्रोन है, ठीक है, जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, तो वो आगे चल के इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, देश की इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। और इसीलिए कहते हैं कि अनहेल्दी पर्सन बर्डन है, लाइबिलिटी है, ठीक है, इट इज नॉट एसेट, ठीक है, इट इज नॉट एसेट बट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है इकोनॉमिक्स के लिए, देश के लिए। हेल्दी माइंड ही क्रिएट कर सकता है हेल्दी इन्वायरमेंट को, और इसीलिए हेल्दी इन्वायरमेंट देश के डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी है, इसलिए हेल्दी माइंड कंपलसरी है। इंडिया के अंदर बात करें तो बिहार और यूपी, ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम हैं कंपैरिजन में, और ये वो स्टेट्स हैं जहां पे लोगों की पुअर हेल्थ कंडीशन है, मेडिकल कॉलेजेस भी कम हैं कंपैरेटिवली और पुअर हेल्थ कंडीशन भी है, जबकि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये सब देखें तो इन कॉलेजेस में 81 मेडिकल कॉलेजेस हैं टोटल भारत के 181 में से, 181 मेडिकल कॉलेजेस में से 81 मेडिकल कॉलेजेस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ही हैं, चार स्टेट्स 81 कॉलेजेस लेके बैठी हैं। तो वहां पे आपको ऑब्वियसली क्या मिलेगा, वहां पर आपको ऑब्वियसली हेल्दी स्टेटस मिलेगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये इंडियन सोसाइटी में आप लोग पढ़ते होंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि प्रति 1,000 जन्म लेने वाले बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या, मरने वाले नवजात शिशु की संख्या, इन्फेंट, इसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 1,000 बच्चे जन्म लिए तो उनमें से कितने मर गए, ये पहले से कम हुआ है। 1951 में ये 147 था, 2016 में ये सिर्फ 34 रह गया। क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, कि कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, ये भी कम हुआ है, यानी कि अभी जनसंख्या वृद्धि की जो परसेंटेज है वो कम हुई है, जनसंख्या तो अभी भी बढ़ रही है लेकिन परसेंटेज कम हुई है। ये 20.4 थी 2016 में, ये 6.4 रह गई। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लिविंग बर्थ, ठीक है, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। अब बात करते हैं कि भाई एजुकेशन और हेल्थ तो देख ली, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट देखो, क्योंकि देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ये भी एक एस्पेक्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और एम्प्लॉयमेंट कितना है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे उसके हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। अ पर्सन वॉन्ट टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क, ये अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा है और एनसीईआरटी यही परिभाषा देती है। एक व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको उसके हिसाब का काम नहीं मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देश के लिए बर्डन है, एक लाइबिलिटी है, और ये लीड करती है कि देश का जो मैन पावर रिसोर्स है, जो ह्यूमन कैपिटल है, वो क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, एक सीजनल और एक डिसगाइज्ड। सीजनल का मतलब है कि मान लीजिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की एस्पेक्ट में आप देखिए कि साल में मान लीजिए कुछ महीने ऐसे हैं जहां व्यक्ति के पास में नौकरी नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब फसल कट चुकी है, मान लीजिए कल फसल कट जाती है आपकी 4 जून को, 4 जून को फसल कटने के तुरंत बाद तो अगली फसल आप बोएंगे नहीं, है ना, तो कुछ टाइम ये जो बीच का पीरियड है ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये दिखता है हमको, इट इज विजिबल, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इस तरीके की प्रॉब्लम विजिबल है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ सीजनल फूड ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और जैसे ही वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, उसके बाद आप जो है कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रहते हो। तो फार्मर आर एम्प्लॉयड ओनली इन दैट पर्टिकुलर सीजन जिसमें आप वो खेती कर रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे
लोगों को लगता है कि व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे कि अब मान लीजिए ये आपके पापा की परचून की दुकान है, अब पापा के दो बेटे हैं, ठीक है, पापा के दो बेटे हैं, पापा ने दोनों को ही पढ़ाई लिखाई का पूरा अवसर दिया, स्कूल भेजा, लेकिन इस बच्चे के ये ए है और ये बी है, बी जो है पढ़ लिखने में अच्छा था, ठीक है, ये लिटरेट हो गया, अच्छे से एजुकेटेड हो गया, और ये बाहर चला गया नौकरी करने, इसको नौकरी मिल भी गई, कुछ भी छोटी मोटी, ठीक है, ये पढ़ने लिखने में उतना अच्छा नहीं था लेकिन ये फिर भी 12th पास कर गया, ठीक है, उतना भी इलिटरेट नहीं है, 12th पास कर गया है ये। अब 12th पास करने के बाद पापा ने बोला एक काम कर, एक भाई तो तेरा चला गया है तो मुझे भी मदद के लिए कोई ना कोई चाहिए, अच्छा दुकान का रजिस्ट्रेशन जो है पापा के नाम पे, ठीक है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी बिजनेस ये पापा के नाम पे है। सेम एग्रीकल्चर में भी होता है बेटा, ठीक है, अब ये व्यक्ति जो है पापा की मदद कर रहा है किस पे, या तो दुकान पे बैठा है, परचून की दुकान हो या कोई भी दुकान हो, या फिर एग्रीकल्चर में मान लीजिए अगर पापा का खेत है, एक भाई जो है फौज में लग गया, फौजी बन गया, दूसरा भाई जो है बाहर निकलने ही नहीं दे रहे हैं इसको, इसको कोई काम ही नहीं करने दे रहे हैं, बोले तू खेती में ही साथ दे, खेत पूरा पापा के नाम पे है, तो ऐसे केस में, या दुकान पूरी पापा के नाम पे, बिजनेस पूरा पापा के नाम पर है, तो ऐसे केस में ये व्यक्ति अपना दिमाग तो लगा रहा है, अपना काम भी कर रहा है, ठीक है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन क्या ये एम्प्लॉयड है, क्या ये एम्प्लॉयमेंट है? नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि इसके नाम पर कुछ भी नहीं है, ना ही इसकी सैलरी आती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक घर में 6 लोग हैं, ठीक है, या 9 लोग हैं, ये एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, एक ही खेत में काम कर रहे हैं, खेत किसी एक के नाम पर है, तो जो बाकी के एक्स्ट्रा लोग हैं वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं, तो प्रोडक्शन ना तो इंक्रीज होगा इन लोगों के काम करने से, ना ही डिक्रीज होगा इन लोगों के काम करने से, अगर इन लोगों को हटा दिया जाएगा तो भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। अब अर्बन एरिया का ये तो है आपका, रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अर्बन एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे बच्चे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, काम करना चाहते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम तब अकर होती है एजुकेटेड पर्सन विलिंग टू वर्क बट ही और शी इज अनेबल टू फाइंड वर्क, नंबर ऑफ ग्रेजुएट है बहुत सारे, नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा करे हुए बहुत लोग हैं, लेकिन और ये जो है अनएम्प्लॉयड लोग जल्दी बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या बहुत बढ़ रही है, अमंग द मैट्रिकुलेट्स अनएम्प्लॉयड, पहले होते थे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेट अनएम्प्लॉयड, यानी कि 10वीं करके अब काम नहीं मिल रहा है इनको, 10वीं कर ली अब जो है इनको काम नहीं मिल रहा, आज की डेट में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है। आगे बात इनको कहते हैं ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड, ये थे मैट्रिकुलेट्स अनएम्प्लॉयड। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैंने अभी आपको बताया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि 1,000 बच्चों में से, ठीक है, 1,000 बच्चों में से वो बच्चे चिल्ड्रन जिनकी उम्र 1 साल से कम है, 1 साल के बराबर या 1 साल के कम है, कितने नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन जिनकी एज 1 साल से कम है, क्योंकि 1 साल से कम के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है, तो ये आपका IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। बर्थ रेट कैसे निकालते हैं, 1,000 बच्चों में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, डेथ रेट कैसे निकालते हैं, 1,000 बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कैसे निकालते हैं कि 1,000 बच्चों में टोटल इन्फेंट कितने मरे, ठीक है, बेबीज का निकालेंगे तो बेबीज के लिए, अगर आप बेबीज का नहीं निकाल रहे, ऑल ओवर निकाल रहे, तो 1,000 लोगों में से मतलब जन्म लेने तो ऑब्वियसली बेबीज ही जन्म लेंगे, डेथ रेट कैसे निकालेंगे, 1,000 लोगों में से कितने लोग मरे, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, अगर मैम सिर्फ बच्चों की बात करेंगे तो वो फिर IMR निकालेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अगर ओवरऑल देखेंगे, ओवरऑल डेथ देखेंगे, ओवरऑल डेथ्स पर 1,000 पॉपुलेशन, तो ये आपका डेथ रेट होगा। आगे चलेंगे, बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, बात करेंगे नेशनल इनकम की, ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, एंड पीपल एज रिसोर्सेस की। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, आपने GDP तो बहुत पढ़ा होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एक एस्टीमेशन है, एक जांच पड़ताल है, पूरा का पूरा हिसाब किताब है, ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, कंट्री में जो रह रहा है,
ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम कंट्री में जो रेजिडेंट है ठीक है उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या है। तो फिर मैम जीडीपी क्या है? जीडीपी बेटा वो है कि जो रेजिडेंट्स भी हैं प्लस जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेनर्स भी हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट की बात करते हैं इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो ये 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं। नेशनल इनकम की बात करेंगे, नेशनल इनकम क्या है? एस्टिमेशन है वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन द गिवन टाइम पीरियड। तो इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जो इनकम आई मार्केट एक्टिविटी के थ्रू उसको कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, वैल्यू 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 एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये मैम जीडीपी प्लस जी नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी प्लस जीएनपी। हाँ भाई, जीडीपी प्लस जीएनपी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट ऑफ द कंट्री नहीं, कंट्री पूरी की पूरी कंट्री जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिडेंट्स की वजह से जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल। हमारे यहाँ के प्रोडक्टिव और नॉलेजेबल लोग, स्किल्ड लोग, वो उनको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होता है? एजुकेशन और हेल्थ, ये दो मेन सोर्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। एजुकेशन में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, मेडिकल केयर आप हेल्थ में दे सकते हैं, ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। पीपल एज रिसोर्सेज, पीपल एज रिसोर्सेज क्या हैं? ये कंट्री के वो वर्क फोर्स हैं, वर्क फोर्स जो काम करते हैं एग्जिस्टिंग स्किल्स के साथ में और एबिलिटी के साथ में, इनको कहते हैं हम क्या? इनको कहते हैं पीपल एज रिसोर्सेज, ये संसाधन है हमारे। अब यहां पर आपको समझ में आ गया पीपल एज रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं? ये कंट्री की वो वर्किंग पॉपुलेशन है जो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटी के साथ में करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिफरेंट कैसे है अदर रिसोर्सेज से, लाइक लैंड रिसोर्सेज और फिजिकल कैपिटल से कैसे अलग है? ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है इसलिए अलग है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बाकी सारे रिसोर्सेस को यूज करके, चाहे वो लैंड रिसोर्स हो, फिजिकल कैपिटल हो, इनको यूज करके हम आउटपुट बनाते हैं। ठीक है, जबकि अदर रिसोर्सेज ह्यूमन का यूज करके आउटपुट नहीं निकाल सकते, इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज कंसिडर भी हम इनको सुपीरियर मानते हैं अदर रिसोर्सेज से। रोल क्या है एजुकेशन का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? अभी बताया मैंने, एजुकेशन क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ही एनहेंस करती है। व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी की क्वालिटी बढ़ाती है, व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी की क्वांटिटी बढ़ाती है। ठीक है, ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस को जो है ये डेवलप करते हैं, जिससे कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ में ये इम्पॉर्टेंट है। तो एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है एसेट, ठीक है, ना कि कोई बर्डन। व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? वो भी मैंने आपको बताया, हेल्दी माइंड होगा तो हेल्दी आपकी क्या होंगी, पोटेंशियल होगा व्यक्ति का, और व्यक्ति जो है लाइबिलिटी नहीं बनेगा। ठीक है, व्यक्ति अनहेल्दी, अनहेल्दी पर्सन क्या होता है? अनहेल्दी पर्सन लाइबिलिटी होता है इकोनॉमी में। ठीक है, अगर व्यक्ति हेल्दी होगा तो अपने फुल पोटेंशियल को यूज करेगा। व्हाट पार्ट डज हेल्दी हेल्थ प्ले इन द इंडिविजुअल्स वर्किंग लाइफ? हेल्थ का तो बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि व्यक्ति हेल्थ होगा तो इलनेस से फाइट कर सकता है। अनहेल्दी इंडिविजुअल जो हैं जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो नेशनल इनकम भी क्या है, डायरेक्टली क्या होगी, इफेक्टेड होगी। ठीक है, नेशनल इनकम इफेक्ट होगी। वॉट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकिंग द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी? ये मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लिखा भी हुआ है अलग से। वॉट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर्सनली अपने इंडिविजुअल परफॉर्मिंग डोमेस्टिक डोमेस्टिक यूज के लिए करती हैं, ये इसका नेशनल इनकम में कोई भी योगदान नहीं है। जबकि जबकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका नेशनल इनकम में पूरा पूरा योगदान है, वो मार्केट के लिए की जाती है। विमेन एम्प्लॉयड को लो पे क्यों दिया जाता है? क्योंकि एजुकेशन और स्किल ये दो मेन चीज हैं किसी भी इंडिविजुअल के अर्निंग कैपेबिलिटीज की। ठीक है, अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पर रहा ही है, पेट्रियार्कल हमारी सोसाइटी रही है, तो विमेन आर जनरली डिनाइड द एजुकेशन, और क्योंकि एजुकेशन नहीं मिली है
बहुत पीछे रहे हैं एजुकेशन के मामले में हम, तो नेसेसरी स्किल्स नहीं है जो कि नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, और एज अ रिजल्ट मेजोरिटी ऑफ विमेन जो हैं वो एजुकेशन और लो स्किल फॉर्मेशन उनका हुआ है, ठीक है, उनको बहुत ही नाम मात्र के लिए एजुकेशन मिली है, स्किल फॉर्मेशन भी बहुत कम हुआ है, और ये रीजन है इसीलिए उनको कम पैसा मिलता है। लेकिन आज की डेट में अब आप देखिए, जो इंजीनियर एक लड़की है, जो इंजीनियर एक लड़का है, तो उसको इक्वल पे मिलेगा क्योंकि दोनों के पास ही सेम डिग्री सेम स्किल्स है, ठीक है। तो जो अनरिकग्नाइज सेक्टर है ना, वहां पे आज भी औरतों को कम ही पैसा मिलता है, आप ये देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, अनएम्प्लॉयमेंट से आपको क्या मतलब है? जहां एक व्यक्ति काम करना चाहता हो लेकिन उसको काम ना मिले, ठीक है, विलिंग टू वर्क एट अ गोइंग वेजेस। गोइंग वेजेस यानी कि कहने का मतलब है जो उसकी योग्यता की कीमत है वो उसको ना मिले, ठीक है, या तो उससे कम पैसा मिले, कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर ले, तो वो भी अनएम्प्लॉयड ही है क्योंकि पढ़े हो आप, बीटेक एमटेक किए हो, बीएससी एमएससी किए हो, बीकॉम एमकॉम किए हो, एमबीए किए हो, काम आप वॉचमैन का कर रहे हो, तो ये क्या है, ये अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है। एक इंडिविजुअल इज टर्म एज अनएम्प्लॉयड यदि वो वर्कफोर्स ऑफ कंट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है, और कैपेबल है विलिंग टू डू वर्क फॉर पेमेंट बट अनेबल टू डू सो, लेकिन कर नहीं पा रहे है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सीजनल क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया, सीजनल दिखता है, डिस्गाइज दिखता नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन अ पेक्यूलर प्रॉब्लम इन इंडिया, कि पढ़े लिखे व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हैं आज की डेट में भारत में, ये पेक्यूलर प्रॉब्लम है, बहुत ही आम प्रॉब्लम बन गई है ये, ऐसा क्यों है, ठीक है, तो ये सवाल करना जरूरी है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन जहां पर नंबर ऑफ यूथ जो हैं मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं, टेंथ किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ये डिग्रीज हैं, फिर भी उनको जो है सूटेबल काम नहीं मिल रहा है। इंडिया एज अ यूथ पॉपुलेशन एंड एवरी ईयर बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन करके निकलते हैं और स्कूल्स और कॉलेजेस से यहाँ पर पास आउट होके आते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस पेस से है नहीं, वेरियस सेक्टर्स में नॉट कीपिंग पेस विद द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल कमिंग आउट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो क्या मतलब फिर मैम, हमको बच्चों को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाना तो चाहिए, लेकिन जितना हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जितना हम एजुकेशन दे रहे हैं, उतनी जो है जॉब्स जनरेट नहीं हो पा रही हैं, उस पेस से जॉब्स जनरेट नहीं हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, और इस वजह से एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पेक्यूलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ठीक है। इन विच फील्ड डू यू थिंक इंडिया कैन बिल्ड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? आपको क्या लगता है कि कौन से फील्ड में इंडिया सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ला सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, ठीक है, और उससे बेस्ड इंडस्ट्रीज में जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर है जहां पे हम इफिशियंट और क्वालिटी पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वहां पर हम जनरेट कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर आज भी देश के 60% से ज्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर में हैं, तो सोचिए कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है अगर हम उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लेके जाएं, पैकेजिंग और ये इफिशियंट क्वालिटी पैकेजिंग करें, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी जनरेट हो सकती हैं। और भी क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। विच कैपिटल इज द बेस्ट, लैंड, लेबर, फिजिकल या ह्यूमन? ह्यूमन कैपिटल इज द बेस्ट भाई, ठीक है, क्योंकि बाकी कोई भी और भी कैपिटल जो है ह्यूमन कैपिटल का यूज नहीं कर सकती है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल बाकी सबका यूज करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, आउटकम लेके आ सकते हैं, ठीक है। क्या तरीके हैं जिससे कि हम प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम किया जा सकता है, उनको कैसे ज़्यादा नौकरी दी जा सकती है, ठीक है, तो उसके यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब तरीके बताए हुए हैं, ये पढ़िएगा आप लोग। एक क्वेश्चन ये है मैंने जो आपको पढ़ने के लिए दिया है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो, चैप्टर नंबर 2 था ये जो क्लास 9th का आज हमने किया, ठीक है, आज एक और सेशन लूंगा मैं आपका क्लास चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है, चैप्टर नंबर एक एक चैप्टर करके करते क्लास 9th का एक और सेशन मैं आपका लूंगा चैप्टर नंबर 3 का, ये शाम को 9 बजे अपलोड हो जाएगा, 9 PM पे अपलोड होगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन टेलीग्राम में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं,
सेशन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।